शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भगवद गीता पे अपना डिस्कशन वर्स 4.2 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए वर्स 4.2 इस प्रकार से है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स काल नेह महत योगो नष्ट परंतप। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि दिस सुप्रीम साइंस वॉज दस रिसीव्ड थ्रू द चेन ऑफ डिसाइपलिक सक्सेशन एंड द सेंटली किंग्स अंडरस्टूड इट इन दैट वे, बट इन कोर्स ऑफ टाइम द सक्सेशन वॉज ब्रोकन एंड देयरफॉर द साइंस एज इट इज अपीयर्स टू बी लॉस्ट। तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि ये जो नॉलेज है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है भगवद गीता का, ये डिसाइपलिक सक्सेशन में नीचे आया है और जितने भी सेंटली किंग्स हैं उन्होंने इस प्रकार इसको समझा है, लेकिन समय के साथ ये जो डिसाइपलिक सक्सेशन था ये टूट गया और ये जो नॉलेज था ये लॉस्ट हो गया। इसलिए भगवान यहाँ पर अभी फिर से आकर के इस नॉलेज को फिर से एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में, इट इज क्लियरली स्टेटेड दैट द गीता वॉज स्पेशली मीन्ड फॉर द सेंटली किंग्स बिकॉज दे वेयर टू एग्जीक्यूट इट्स पर्पज इन रूलिंग ओवर द सिटीजन्स नॉट फॉर द मेंटल स्पेक्यूलेटर्स। तो यहाँ पर ये बात क्लियरली बताई गई है कि ये जो भगवद गीता है दिस इज मीन्ड फॉर द सेंटली किंग्स, दिस इज मीन्ड फॉर दोज किंग्स हु आर सपोज टू रूल द सिटीजन्स प्रॉपरली। यह मेंटल स्पेक्यूलेटर्स के लिए नहीं बनाया गया है कि वो भगवद गीता पढ़ें और उसके ऊपर अपने अलग अलग विचारों को, धारणाओं को लोगों को ऐसे बताते फिरें। ये सेंटली किंग्स जो कि प्रजा को प्रॉपरली रूल करने के लिए जिम्मेदार हैं उनके लिए बनाया गया है ये नॉलेज। तो ये स्पेशली ये बात बताई गई है। तो एज सून एज द ओरिजिनल पर्पज वॉज स्कैटर्ड बाई द मोटिवस ऑफ अनस्क्रूपलस कमेंटेटर्स देयर अरोज द नीड टू रीएस्टैब्लिश द डिसाइपलिक सक्सेशन, हेंस कृष्णा हिमसेल्फ करेक्टेड इट 5000 ईयर्स अगो। तो जब भी जो मेंटल स्पेकुलेटर्स हैं वो अपने अनस्क्रूपुलस कमेंट्री से भगवद गीता का जो पर्पज़ है उसे एकदम छितरा देते हैं, उसे तोड़ देते हैं, उससे लोगों को डिविएट कर देते हैं, तो उसके बाद भगवान कृष्ण खुद आकर के इन चीज़ों को फिर से वापस इस्टेब्लिश करते हैं, जैसे कि आज से 5000 साल पहले भगवान ने ऐसा किया था। तो इन द सेम वे एट द प्रेजेंट मोमेंट ऑल्सो देयर आर सो मेनी एडिशंस ऑफ गीता स्पेशली इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपको 600, 700, 800 बहुत सारे लगभग इतने आपको भगवद गीता के कमेंट्रीज मिल जाएंगे, लेकिन उनमें प्रॉब्लम क्या है कि बट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर नॉट अकॉर्डिंग टू द ऑथराइज्ड डिसाइपलिक सक्सेशन, नॉट एक्सेप्टिंग कृष्णा एज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो भगवद गीता समझने का सबसे पहला बेसिक रूल है कि आपको भगवान कृष्ण को परमेश्वर भगवान के रूप में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो इसी बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उससे आगे बढ़ने की बात ही खत्म हो जाती है। तो दिस इज द प्रॉब्लम कि इतने सारे लोग कमेंट्री किए हैं भगवद गीता पर आज के ज़माने में, इतने सारे कमेंट्रीज मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन ये स्कॉलर्स अपने कुछ इमेजिनेशंस को भगवद गीता में डाले हुए हैं, दे आर नॉट रिपीटिंग द वर्ड्स ऑफ कृष्णा एज इट इज़। इसलिए जो भगवद गीता का ओरिजिनल पर्पज है वो बहुत ही डिफिकल्ट है अगर आप अनऑथराइज कमेंट्रीज को पढ़ते हैं। इसीलिए ये इम्पोर्टेंस दिया गया है कि जो डिसाइपलिक सक्सेशन जो भगवान कृष्ण ने खुद एस्टैब्लिश किया है, उस डिसाइपलिक सक्सेशन में हमें आकर के भगवद गीता के ज्ञान को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, अदरवाइज वी विल बी मिसलेड इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड भगवद गीता। तो कनेक्शन टू द नेक्स्ट वर्स, सो व्हाई डज कृष्णा स्पीक दिस साइंस स्पेसिफिकली टू अर्जुन, द नेक्स्ट वर्स डिस्क्राइब्स अर्जुन्स क्वालिफिकेशन। तो भगवान ये अर्जुन को ही ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं, इतने सारे महान भक्त हुए लेकिन अर्जुन को क्यों भगवान ने ये ज्ञान दिया, तो अर्जुन का क्या स्पेशल क्वालिफिकेशन था उसे भगवान यहाँ पर अगले वर्स में अब बताएंगे। तो दिस इज वर्स 4.3, स एवायम मया ते दिया योग प्रोक्त पुरातन भक्तो सीमे सखा चेती रहस्यम हेतद उत्तमम। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है अर्जुन का, कि दिस वेरी एंसिट साइंस ऑफ रिलेशनशिप विद द सुप्रीम इज टुडे टोल्ड बाय मी टू यू बिकॉज यू आर माय डिवोटी एज वेल एज माय फ्रेंड एंड कैन देयरफॉर अंडरस्टैंड द ट्रांसेंडेंटल मिस्ट्री ऑफ दिस साइंस। यानी इसमें दो बात, भक्तों सीमे सखा चेती, यानी भक्त
और सखा, ये दो क्वालिफिकेशन है अर्जुन का कि वो भक्त भी हैं, भगवान के डिवोटी भी हैं और भगवान के सखा भी हैं। इन दोनों क्वालिफिकेशन के कारण ही इज एलिजिबल टू अंडरस्टैंड। तो देखिए अर्जुन क्वालिफिकेशन इज भक्ता एंड सखा डिवोटी। तो दिस इज द क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे क्लियरली बताया गया कि अगर कोई भी भगवान का ये दिया हुआ ज्ञान जो भगवद गीता है इसे समझना चाहता है इन प्रॉपर सेंस, तो ये दोनों चीजें जरूरी हैं। उसे भगवान का भक्त होना पड़ेगा और भगवान का वेल विशर, उनका सखा होना पड़ेगा। तो अगर कोई भगवान का भक्त है तो ही इस ज्ञान को समझ सकता है, नहीं तो सबके लिए ये ज्ञान को समझ पाना बहुत मुश्किल है। और इसका हम लाइव एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इतने सारे जो मेंटल स्पेकुलेटर्स हैं, जो फिलोसफर्स हैं, वो भगवद्गीता के पे अपना कमेंट्री तो लिख दिए हैं लेकिन जो एक्चुअल भगवद्गीता का ज्ञान है उसको समझने से कोसों दूर हैं, क्योंकि उन्होंने भगवद्गीता में जो खुद मेथड दिया गया है इसे समझने का उसे फॉलो नहीं किया है। और वो मेथड है कि बिकम द डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड भगवद्गीता। सो दैट इज वॉट इज बींग एक्सप्लेन्ड हियर। तो ओनली डिवोटी कैन अंडरस्टैंड कृष्णा, अदर्स कैन नॉट, बिकॉज वंस रिलेशनशिप विद कृष्णा इज रहस्य और सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल एंड मिस्टीरियस। तो सिर्फ भगवान का जो भक्त होते हैं वही समझ पाते हैं, अदरवाइज इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट एंड मिस्टीरियस नॉलेज जो कि ऑर्डिनरी व्यक्ति के समझ में नहीं आएगा। तो माया हैज कवर्ड द लिविंग एंटिटीज रियल आइडेंटिटी एंड कृष्णा हैज नो इंक्लिनेशन टू रिमूव द कवरिंग फॉर एनी वन अदर दैन हिज डिवोटी। तो भगवान अपने भक्तों के अलावा किसी और के ऊपर से जो माया की कवरिंग पोटेंसी है उसे हटाना नहीं चाहते हैं। तो इसका कारण बहुत सिंपल है कि जो भगवान के भक्त हैं वो चाहते हैं भगवान की तरफ जाना, तो भगवान हेल्प करते हैं। और जो भगवान के भक्त नहीं हैं वो उनका डिज़ायर ही नहीं है कृष्ण को समझने का, उनका डिज़ायर ही नहीं है कृष्ण के पास जाने का, तो भगवान उसको फेवर करते हैं, ठीक है, उसको उसके ऊपर से कवरिंग नहीं हटाते हैं। तो भगवान किसी के ऊपर नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं। जो अभक्त हैं वो कृष्ण को उस रूप में समझना ही नहीं चाहते हैं, तो भगवान उनको वैसे हेल्प करते हैं। और जो भक्त हैं भगवान को उस रूप में समझना चाहते हैं इसलिए भगवान वैसे उनको हेल्प करते हैं। इसीलिए जो उनके डिवोटी नहीं है, कृष्णा हैज नो इंक्लिनेशन टू रिमूव द कवरिंग ऑफ माया फ्रॉम देम, इसलिए वो कभी समझ भी नहीं पाएंगे और ना ही उनका ये डिजायर ही है समझने का। सो नाउ कनेक्शन टू द नेक्स्ट वर्स। नाउ अब भगवान देखिए अगले, यहाँ पे अर्जुन जो है अगले वर्स में एक डाउट प्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये इस जब अर्जुन यहाँ पे एक डाउट पूछ रहे हैं भगवान से, जब हम भी कुछ लेक्चर सुनते हैं या कुछ कथा सुनते हैं तो हमें बहुत सारे डाउट आते हैं। तो अब देखिए डाउट आना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे अर्जुन को खुद भी अब डाउट आने जा रहा है, लेकिन उस डाउट को पूछा कैसे जाता है ये बात हमें अर्जुन से सीखना चाहिए। तो देखिए ये अर्जुन को यहाँ पे एक डाउट आ रहा है लेकिन वो देखिए किस प्रकार से भगवान से पूछ रहे हैं, किस एटीट्यूड में पूछ रहे हैं, ये हमें सीखना चाहिए अर्जुन से। तो देखिए ये वर्स 4.4 में यहाँ पे अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि अर्जुन सेड द सन गॉड विवश वन इज सीनियर बाई बर्थ टू यू। तो सन गॉड विवश वन तो कितने करोड़ों साल पहले जन्म लिए हैं, और भगवान कृष्ण तो अभी रिसेंटली अर्जुन के साथ ही जन्म लिए हैं, उन्हीं के साथ बड़े हुए। तो वो बोल रहे हैं कि सन गॉड विवश वन इज सीनियर बाई बर्थ टू यू, हाउ एम आई टू अंडरस्टैंड दैट दैट इन द बिगनिंग यू इंस्ट्रक्टेड द साइंस टू हिम। तो विवश वन तो तुमसे कितने पहले से आया है कृष्ण, तुम कैसे या उनको ये भगवद गीता के इंस्ट्रक्शन दिए। तो दिस इज अर्जुन क्वेश्चन, लेकिन हाउ ही इज टेलिंग, ही इज नॉट टेलिंग कि अरे कृष्णा फेंक क्यों रहे हो, अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि तो तुमसे सन गॉड तुमसे कितने पहले आए तुम उन्हें कैसे इंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ही इज टेलिंग, ही इज फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टिंग कि वॉट यू आर टेलिंग इज राइट, बट हाउ एम आई टू अंडरस्टैंड दैट वॉट यू आर टेलिंग इज करेक्ट। दिस इज द राइट वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। ही इज नॉट टेलिंग कि कृष्णा यू आर टेलिंग रॉन्ग, ही इज टेलिंग कि कृष्णा हाउ एम आई टू अंडरस्टैंड, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड कि वॉट यू आर टेलिंग इज राइट। तो दिस इज द प्रॉपर एटीट्यूड इन अ सबमिसिव मूड वन शुड आस्क क्वेश्चन, जैसे कि ये अर्जुन यहाँ पर ये प्रश्न भगवान से ऐसे पूछ रहे हैं। तो देखिए अर्जुन इज नॉट इंक्वायरिंग फॉर हिमसेल्फ बट फॉर दोज हु डू नॉट बिलीव इन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो जैसे हम जानते हैं अर्जुन खुद तो भगवान के एक नित्य सिद्ध पार्षद हैं, उनके वो उन्हें उनके ऊपर माया का कवरिंग नहीं है। ये पूरा भगवद गीता में जो अर्जुन का बिवल्डरमेंट है वो सिर्फ हमें टीचिंग देने के लिए ही है
इसलिए ये प्रश्न भी जब अर्जुन पूछ रहे हैं तो वो तो भगवान के भक्त हैं, उन्हें वो तो भगवान के ऊपर कोई डाउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम भगवान के ऊपर डाउट करते हैं इसलिए हमारे क्लैरिफिकेशन के लिए हमारे बिहाफ पे भगवान से ये प्रश्न कर रहे हैं, ताकि भगवान को खुद मौका मिल जाए अपने बारे में ये सारी बातें बताने का और हमारे ये सारे डाउट्स क्लियरिफाई हो जाएं, इसलिए अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो एज इट विल बी एविडेंट फ्रॉम द 10th चैप्टर, अर्जुन न्यू परफेक्टली वेल दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, द फाउंटेन हेड ऑफ एवरीथिंग एंड द लास्ट वर्ड इन ट्रांसेंडेंस। तो ये क्लियर है कि अर्जुन को देखिए अभी पता चलेगा 10th चैप्टर में, हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, कि अर्जुन को पहले से ही पता है कि भगवान कृष्ण का क्या पोजीशन है, एंड फिर भी वो ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं हमारे क्लैरिफिकेशन के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए। तो ये होल पार्ट वो एक कंडीशन सोल का प्ले कर रहे हैं, सिर्फ हमें रिप्रेजेंट करने के लिए और हमारे प्रश्नों के उत्तर भगवान के खुद के मुख से ये सुनने के लिए। तो दिस क्वेश्चन आस्क्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स गिव्स कृष्ण अपॉर्चुनिटी टू स्पीक डायरेक्टली अबाउट हिमसेल्फ। तो इस प्रश्न से भगवान खुद को अपने बारे में बोलने का ऐसे मौका मिल जा रहा है, इस कारण से अर्जुन ये प्रश्न ऐसे पूछ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम वर्स 4.5 पे। तो देखिए यहाँ पर अब भगवान इसका उत्तर देते हैं कि द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड मेनी मेनी बर्ड्स बोथ यू एंड आई हैव पास्ड, I can remember all of them, but you cannot. O subduer of enemy, Parantapa, subduer of enemy. यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि देखो बहुत सारे जन्म हम दोनों ने साथ में पार किए हैं, लेकिन मुझे वो सारे जन्म याद हैं, तुम्हें नहीं याद हैं। ये कारण यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। तो देखिए बहुत important बातें यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे कि devotees like Arjuna are constant companions of the Lord. And whenever Lord incarnates, the associate devotees also incarnate in order to serve the Lord in different capacities. तो अर्जुन भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं, जैसा कि हम देख रहे थे, और भगवान के जितने नित्य सिद्ध पार्षद हैं, जब भी भगवान का अवतार होता है तो वो भी आ जाते हैं भगवान के साथ ही अवतार लेते हैं, भगवान को अलग अलग कैपेसिटी में हेल्प करने के लिए। जैसे जब भगवान राम का अवतार हुआ था तो उनका पूरा अयोध्या के जितने भक्त थे वो उनके साथ आए, सारे ऋषि आए, कितने सारे भक्त उनके साथ अवतार लिए, उनके साथ फिर वापस गए। भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो पूरे यदु वंश में सारे देवता और उनके जो इटर्नल जो उनके पार्षद हैं, जो नित्य सिद्ध पार्षद हैं, वो लोग फिर जन्म लिए, तो वहाँ पे आकर के भगवान को उनकी लीला में असिस्ट करने के लिए। तो अर्जुन जो हैं वो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं, और जब जब भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं तो उनके साथ साथ अर्जुन भी जन्म लेते हैं भगवान की हेल्प करने के लिए, एक डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में, डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज में भगवान की हेल्प करने के लिए ये सारे एसोसिएट्स वहाँ पर आते हैं और भगवान की लीलाओं में हेल्प करते हैं। तो बट द डिफरेंस बिटवीन द लॉर्ड एंड अर्जुन इज दैट लॉर्ड रिमेम्बर्ड द इंसिडेंट वेयर एज अर्जुन कुड नॉट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्ट एंड पार्सल लिविंग एंटिटी एंड द सुप्रीम लॉर्ड। तो लेकिन दोनों में देखिए अंतर क्या है कि भगवान को सारे जन्म याद हैं, अर्जुन को नहीं याद हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस कि भगवान अपने सारे जन्मों को उनको उनके बिकॉज उनका नित्य सिद्ध उनका जो शरीर है वो सच्चिद आनंद विग्रह है, उसके ऊपर वो कोई माया का कवरिंग नहीं है क्योंकि अपना शरीर नहीं बदलते, इस कारण से उन्हें सारे जन्म याद हैं। और अर्जुन पे उन सारे जन्मों में भगवान के साथ ही थे लेकिन अर्जुन को सारे जन्म याद नहीं है। So, although Arjun is addressed herein as the mightier, he is unable to recall what had happened in his various past births. Therefore, a living entity, however great he may be in the material estimation, even a liberated soul like Arjun can never equal the Supreme Lord. So, यहाँ पे अर्जुन को mighty fighter के रूप में यहाँ पे address किया गया है। परंतपा, तो ही इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमीज, इज अ माइटी फाइटर, लेकिन यहाँ पे फिर भी बताया गया है कि स्टिल ऑल्दो इज अ माइटी फाइटर हु कैन डिस्ट्रॉय हिज एनिमीज, लेकिन स्टिल ही इज अनेबल टू रिकॉल हिज प्रीवियस बर्थ्स। यानी कोई अगर लिबरेटेड सोल हो जाए अर्जुन के जैसा भी तो भी वो भगवान की बराबरी नहीं कर सकता, बस कृष्णा इज कृष्णा एंड जीव अ लिविंग एंटिटी इज अ लिविंग एंटिटी।
दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है. सो दैट इज द पॉइंट दैट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड हियर कि लिविंग एंटिटी हाउएवर ग्रेट ही मे बी इन द मटेरियल एस्टिमेशन इवन अ लिबरेटेड सोल लाइक अर्जुन ही कैन नेवर इक्वल द सुप्रीम लॉर्ड. वो भगवान के बराबरी कभी नहीं कर सकता है. सो दैट इज द पॉइंट दैट वी शुड नोट बिकॉज यही बात मायावादी बोलते हैं कि जब जीव सिद्ध हो जाता है तो फिर वो जब ब्रह्मन रियलाइजेशन पहुंच जाता है तो उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं होता. लेकिन दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग जो कि भगवद गीता में खुद एक्सप्लेन किया गया है. अ लिविंग एंटिटी फॉरगेट्स हिमसेल्फ फॉरगेट्स एवरीथिंग ड्यू टू हिज चेंज ऑफ बॉडी बट द लॉर्ड रिमेंबर्स बिकॉज ही डज नॉट चेंज हिज सच्चिदानंद बॉडी. देखिए लिविंग एंटिटी क्यों भूल जाता है, क्योंकि वो अपना शरीर चेंज करता है. और भगवान को क्यों याद रहता है, क्योंकि उनका शरीर सच्चिद आनंद का है और वो अपना शरीर चेंज नहीं करते. हम बार बार अपने शरीर चेंज करते हैं, हम में और हमारे शरीर में अंतर है. हम आत्मा हैं और ये शरीर बस ऊपर से एक उसका कवरिंग है. लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है. भगवान के खुद में और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है. इसलिए भगवान जब अलग अलग बार इस धरती पर अवतार लेते हैं तो बार बार शरीर नहीं चेंज करते हैं. वो अपनी अंतरंग शक्ति से अपने खुद के शरीर में यहाँ पर डिसेंट होते हैं और उसी शरीर में वो वापस भी चले जाते हैं. तो चेंज ऑफ बॉडी इज नॉट फॉर कृष्णा, इसीलिए उन्हें सारे जन्म याद रहते हैं. लेकिन हम क्योंकि बार बार शरीर छोड़ते हैं तो हम हर बार भूल जाते हैं कि हमारे और भी जन्म हुए थे. तो ही इज अद्वैत विच मीन्स देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हिज बॉडी एंड हिमसेल्फ. यानी उनके बॉडी और उनमें कोई भी अंतर नहीं है. एवरीथिंग इन रिलेशन टू हिम इज स्पिरिट वेयर एज द कंडीशन सोल इज डिफरेंट फ्रॉम हिज मटीरियल बॉडी. तो हम अपने मटीरियल बॉडी से हम अलग हैं. बॉडी मटीरियल है, हम स्पिरिट हैं, हम सोल हैं. लेकिन भगवान के सोल में और भगवान की बॉडी में कोई अंतर नहीं है. दोनों चीज़ भगवान की अंतरंग शक्तियाँ ही हैं. तो इसीलिए भगवान को सारी बातें हमेशा के लिए याद रहती हैं. उनके वो जो हैं वो अद्वैत हैं. Although his body does not deteriorate like a material body, it still appears that Lord Krishna grows from childhood to boyhood and from boyhood to youth. But astonishingly enough, he never ages beyond the youth. तो भगवान देखिए उनका शरीर तो ऐसा नहीं deteriorate होता है, बुढ़ा होता है, वो खत्म होता है, वो सारे dwindling death भगवान के शरीर के लिए नहीं है. लेकिन फिर भी भगवान जब अवतार लेते हैं लीला में हम देखते हैं कि उनका जो शरीर है वो बचपन से यूथ यानी जवानी की तरफ जाता है. यानी ये इट फ्रॉम चाइल्डहुड टू बॉयहुड जाता है एंड फ्रॉम बॉयहुड टू यूथ जाता है. लेकिन आश्चर्य की बात है देखिए यूथ के बाद वो फिर ओल्ड एज में नहीं जाता है, वहाँ तक ही उनके बॉडी ग्रो होती है. इससे भी हमें ये पता चलता है कि भगवान का जो शरीर है वो सच्चिद आनंद विग्रह है, वो हमारे शरीर के जैसा नहीं है. जब भगवान द्वारका में रहा करते थे तो उनके ग्रैंडसन्स ग्रैंड डॉटर्स हुआ करते थे, उनके भी ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर्स के भी सन्स और डॉटर्स हो गए थे. लेकिन उस वक्त भी भगवान एक फ्रेश यूथ के जैसे ही थे. ऐसा नहीं कि उस वक्त वो हम भगवान कृष्ण का ऐसा कोई फोटो नहीं देखते हैं जिसमें बहुत बूढ़े हो चुके हैं, या फिर ऐसी कोई लीला हम नहीं जानते हैं कि भगवान इतने बूढ़े हो गए कि अभी डंडे लेकर के चल रहे हैं. भगवान हमेशा फ्रेश यूथ के जैसे ही रहते हैं. तो लीला के लिए उनका शरीर बड़ा होता है बचपन से यूथ, बचपन यानी बॉयहुड टू चाइल्ड फ्रॉम चाइल्डहुड टू बॉयहुड एंड बॉयहुड टू यूथ. लेकिन उसके आगे उनका शरीर नहीं बढ़ता, क्योंकि उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है, उनका शरीर मटीरियल नहीं है, उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह है. तो ऑल दो अर्जुन इज एडवर्स्ड हियर इन एज द mightier, he is unable to recall what has happened in his various parts past births. Therefore, a living entity, however great he may be in the material estimation, even a liberated soul like Arjun can never equal the Lord. इसलिए एक कोई जीव कभी भी भगवान की ऐसे बराबरी नहीं कर सकता. The Mayavadi philosopher's argument that I am God, but I have forgotten that I am God, is refuted herein. तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो मायावादी का आर्ग्यूमेंट होता है कि अरे मैं भगवान हूँ, बस मैं भूल गया हूँ कि मैं भगवान हूँ, जब मुझे याद आ जाएगा तो वापस भगवान बन जाएंगे. तो यहाँ पे बताया गया है कि अरे भगवान कभी भूलते नहीं,
उनका सच्चिदानंद शरीर है, उन्हें सारे जन्म में उन्होंने जो जो एक्टिविटीज की है सब चीज उन्हें याद रहता है। तो दैट इज द पॉइंट दैट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड हियर, कि ये मायावाद जो फिलॉसफी है उसको इस श्लोक से रिफ्यूट किया जा सकता है, जो भगवान खुद यहाँ पे ऐसे बता रहे हैं कि मेरा शरीर ऐसा है कि मैं सारे जन्म याद रखता हूँ। तो अगर कोई भूल जा रहा है इसका मतलब ये क्लियर सिम्टम है कि वो भगवान तो नहीं है। तो कनेक्शन टू द नेक्स्ट वर्स, कृष्णा कंटिन्यूज टू डिस्क्राइब ट्रांसेंडेंटल नॉलेज बाय एक्सप्लेनिंग हिज बर्थ एंड हिज स्पिरिचुअल फॉर्म। तो फर्दर अभी भगवान ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को फिर आगे अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो वर्स 4.6 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए भगवान बता रहे हैं, ऑल्दो आई एम अनबॉर्न एंड माई ट्रांसेंडेंटल बॉडी नेवर डिटीरियोरेट्स एंड ऑल्दो आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज आई स्टिल अपीयर इन एवरी मिलेनियम इन माई ओरिजिनल ट्रांसेंडेंटल फॉर्म। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि यहाँ पे ठीक है कि मैं अनबॉर्न हूँ, अजन्मा हूँ, और मेरी ट्रांसेंडेंटल बॉडी जो कभी डिटीरियोरेट नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं हर युग में जन्म लेता हूँ अपने खुद के ओरिजिनल ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में। तो इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे है कि देखिए, फैक्चुअली द अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ द लॉर्ड इज लाइक द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन। जैसे कि सूर्य वो जब उगता है और डूब जाता है, तो हम ऐसे नहीं बोलते कि सूर्य का जन्म हुआ और सूर्य अभी मर गया। सूर्य का जन्म और मृत्यु नहीं होता, वो बस हमारे विजन में अपीयर करता है और हमारे विजन से दूर हो जाता है। उसी प्रकार भगवान का जन्म और मृत्यु नहीं होता, भगवान हमारे विजन में आते हैं और फिर हमारे विजन से दूर हो जाते हैं। तो भगवान का इस धरती पे आना और जाना इसी प्रकार है, वो हम जैसे जन्म और मृत्यु लेते हैं उस प्रकार से वो नहीं है। तो यही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिग्निफिकेंस है इस वर्ड का, आत्म माया, यानी भगवान जब जन्म लेते हैं तो इस श्लोक में जैसे बताए गए शब्द यूज किए गए आत्म माया, यानी अपने खुद की माया से आते हैं, मेटेरियल वर्ल्ड की महामाया के प्रभाव के अंदर नहीं आते हैं। तो मायावादी इस प्रकार से बोलते हैं कि भगवान भी माया के प्रभाव के अंदर आते हैं जब इस भौतिक जगत में उनका अवतार होता है। तो लेकिन यहाँ पे खुद भगवान यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे हैं कि आत्म माया, मैं अपनी खुद की माया से यहाँ पर आता हूँ, अपनी इंटरनल पोटेंसी के दम पे मैं यहाँ पर इस धरती पर अवतार लेता हूँ। यानी वो जो हम जैसे माया से बंधे हुए हैं उस प्रकार से भगवान बंधे हुए नहीं रहते हैं। तो ये बात यहाँ पे बताया गया है। तो दिस वर्स ऑल्सो डिफीट्स द मायावादी टीचिंग दैट कृष्णा कम्स इन कॉन्टैक्ट विद मोड ऑफ मटेरियल नेचर। तो यहाँ पे क्लियरली जैसे हमने डिस्कस किया अभी कि यहाँ पे भगवान थ्री मोड्स, जो तीन गुण होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट में, उनके टच में नहीं आते हैं, ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो व्हेन अ मदर डील्स विद हर चाइल्ड अफेक्शनेटली इट इज मायामयम, द लॉर्ड इज ऑल्सो मायामयम बिकॉज इन वॉट एवर फॉर्म द लॉर्ड अपीयर्स ही इज अफेक्शनेट टू द डिवोटीज। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सेज मायामयम बिकॉज द लिविंग एंटिटी इज कवर्ड बाय इल्यूजन, द लॉर्ड इज ऑलवेज ईगर टू डिलीवर द डिवोटीज फ्रॉम माया। तो देखिए मायामयम, भगवान को मायामयम कहा जाता है, मतलब भगवान अपने भक्तों के प्रति बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। तो ये दया और कृपा भगवान की कैसे मैनिफेस्ट होती है कि भगवान इस जन्म, यहाँ पे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बताते हैं कि क्योंकि लिविंग एंटिटी इल्यूजन से कवर्ड है, वो मोह से कवर है, वो एक तरह के इल्यूजन से, पूरे एक तरह के भ्रम से कवर है। तो भगवान यहाँ पे आते हैं लिविंग एंटिटीज को, जीवों को, उस भ्रम से बाहर निकालने के लिए, उस इल्यूजन से बाहर निकालने के लिए, और ये उनकी अपार करुणा है। क्योंकि भगवान को कोई ज़रूरत नहीं है हमारी, फिर भी वो आते हैं, क्योंकि वो हमें अपना पुत्र मानते हैं। भगवान अपने धाम में आराम से अपने भक्तों के साथ अपनी लीलाएं कर सकते हैं और बहुत प्रसन्न रह सकते हैं, लेकिन फिर भी वो सिर्फ और सिर्फ हमारे भले के लिए यहाँ पर आते हैं। इसलिए भगवान को बताया गया कि वो बहुत ही करुणा के सागर हैं, यानी उनकी जो हमारे प्रति उनका जो इतना सारा एक्टिविटी, इतना जो अवतार लेते हैं, हमारे ऊपर जो इतना दया दिखाते हैं, वो पूरा सेल्फलेस है, उससे उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बेनिफिट के लिए भगवान इतना कुछ करते हैं। तो कनेक्शन टू द नेक्स्ट वर्स, अ क्वेश्चन मे नाउ बी रेज्ड एज टू व्हाई द लॉर्ड अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स इन दिस वर्ल्ड, दिस इज एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट वर्स।
तो भगवान वास्तव में इस जगत में आते क्यों हैं और यहाँ से जाते क्यों हैं, इसका एक्चुअल कारण क्या है, तो अब यहाँ पे अगले श्लोक में भगवान इस बात को बताते हैं। तो इसका डिस्कशन हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में फिर आगे करते हैं। तो आज के डिस्कशन में अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमें नीचे कमेंट्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।